દાદરા નગર હવેલીની મુલાકાતે આવેલા અખિલ ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના સેક્રેટરી ડોક્ટર વિશ્વરંજન મોહંતીએ સેલવાસના ટોકર ખાડા ખાતે આવેલ કોંગ્રેસ કાર્યાલય ખાતે કાર્યકર્તાઓ સાથે બેઠક યોજી હતી. ગુજરાત તથા સંઘ પ્રદેશ દાદરાનગર હવેલી દમણ દીવના કોંગ્રેસના પ્રભારી ડોક્ટર વિશ્વરંજન મોહંતીએ કોંગ્રેસ કાર્યાલય ખાતે કોંગ્રેસના અગ્રણીઓ તથા જિલ્લા પંચાયત અને નગરપાલિકાના સભ્યો સાથે બેઠક યોજી સંગઠનના મુદ્દે ચર્ચા વિચારણાઓ કરી હતી. ये हमारे नेताओं से 10-15 मिनट 20 मिनट बैठ के ही वापी में था. सोचा इनसे थोड़ा संवाद करके जाएंगे, तो आप लोग इतने मात्रा में आए और हमको इतना प्यार दिया और सम्मान किया, इसलिए मैं तहे दिल से आप सबकी आभार व्यक्त करता हूँ. दूसरा है कि अभी बहुत अच्छे समय आ रहे हैं. जो अच्छे दिन का बात दूसरे लोग बोल रहे थे ना, वो यहाँ तो अच्छे दिन नहीं दे पाए. तो अभी क्या है, कांग्रेस के लिए और जो आम जनता है पूरे देश के, मैं सिलवासा का क्या स्थिति है ये तो मैं अभी स्टडी नहीं किया हूँ, बताऊँगा थोड़ा बाद में. लेकिन पूरे गुजरात, चाहे गुजरात हो, आपने महाराष्ट्र में भी देखा सरकार बन गई कांग्रेस की, इधर हमारे गुजरात में अभी बाई इलेक्शन हुआ, हमने 3 सीट जीते, 6 बाई इलेक्शन हुआ, उसमें से पूरे सरकार लग गया था जिताने के लिए, पूरे प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री तक. लेकिन लोगों ने हमको जिताया, हमने 3 सीट जीता और 1 सीट में हमने 2000 मार्जिन में आ गया. तो इसका मतलब है, और झारखंड में भी देखा कैसे लोगों ने आदिवासी इलाका में कैसे लोगों ने इनको बुरी तरह से रिजेक्ट किया कि भाई अब आपका शासन नहीं चाहिए इस देश को. आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, महिला हो, युवा वर्ग हो, सभी वर्ग अभी पूरे देश में त्रस्त है. अभी देखो JNU में किसी तरह से इन लोगों ने बुरी तरह से पीटे उसके छात्राओं को, मारे, जो सबसे देश की बड़ा विश्वविद्यालय माना जाता है, जहाँ से गरीब बच्चा पढ़ता है और IAS IPS प्रोफेसर रिसर्चर अभिजीत जैसे बड़े नोबेल प्राइज वाले भी वहाँ से पढ़ के आए हैं. मनमोहन सिंह जी वहाँ प्रोफेसर थे, मैं भी वहाँ 8 साल पढ़ाई किया हूँ. गरीब से गरीब बच्चा, आदिवासी इलाका से इंदिरा जी ने उस यूनिवर्सिटी को स्थापना किया था कि गरीब से गरीब बच्चा को अच्छा शिक्षा मिले देश में. आज उस विश्वविद्यालय मोदी जी के खिलाफ में खड़ा हो तो उनको पुलिस लगा के, गुंडा लगा के पीट रहे, माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के लिए तो मत बोलो. आप देखो रोज कुछ ना कुछ घटना, अखबार खोलो, टीवी वाले तो दिखाते नहीं है, महंगाई क्या देखो सब. इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आप परिवार के सदस्य हो, अभी आप लोग मेहनत हम लोग अभी से करेंगे. पंचायत और अर्बन इलेक्शन आ रहा है 2020 में, इसमें भारी मत से कांग्रेस जीतेगा, क्योंकि लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमको लोगों के पास पहुंचना है, लोगों को ये समझाना है और पार्टी को नीचे से खड़ा करना होगा. कोई गुटबाजी में मत घुसो, कोई आपको कुछ बोलता है कुछ मत सुनो. हम पार्टी के साथ है, वफादार सिपाही है पार्टी के, और पार्टी को खड़े कराएंगे और मजबूती से खड़ा कराएंगे. ये प्रभु तो एक नौजवान को हम लोगों ने टिकट दिया था पार्लियामेंट लड़ने के लिए, बड़े हस्तियों के सामने दिया था. मैं अभी भी बोलता हूँ, वोट क्या मिला नहीं मिला अलग बात है, वो एक्टिविस्ट है, आप सबके बीच में रह के काम करता है और करेगा भी. और ये जो हमारे वरिष्ठ नेता सब है, महेश भाई, केशु भाई, हमारे विक्रम भाई, सभी महेंद्र जी, सभी लोग आपके साथ खड़े रहेंगे. हमारे किशन भाई भी हमारे साथ आए हैं, हमारे पूर्व सांसद थे बलसा, वो भी इधर, हम उनको थोड़ा स्पेशली दिए हैं, वो घूम के थोड़ा आप लोगों के साथ रहेंगे और पूरा कांग्रेस आपके साथ रहेगा. और आप निकलिए, काम कीजिए और पूरा पार्टी, गांधी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, सब आपके साथ रहेंगे.